उन्होंने केंद्र सरकार फल और सब्जियों की कीमत को बढ़ोतरी मरू नीतियों के खिलाफ में डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी, जीएसटी की बढ़ोतरी, किसानों के पंजाब सरकार से मांग की कि फल और सब्जियों की कीमत में बाधा होने पर आज पहल की दाना मंडी नजदीक एसडीएम ऑफिस के पहल में धरना किया गया है। धरना में पंजाब सरकार और पंजाब के कांग्रेस प्रधान श्री सुनील जांगड़ा के दिशा निर्देशक में किया गया है, जिसके अध्यक्ष में हल्का विधायक लखवीर सिंह ने कहा है कि पायल में कांग्रेस के वर्करों को संबोधित किया जाएगा। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पायल से। धरने ने जी जी जदों मोदी सरकार ने हिंदुस्तान दे विच जीएसटी लगाया तो उसका बड़ा विरोध होया, व्यापार बड़े बुरी तरह तहस नहस हो गया, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने जीएसटी लगाता, पर तेल पदार्थ ने जेडे उन्होंने जीएसटी के नहीं लिया, उस करके जिहड़ियां कीमतां ने उन्होंने निरंतर रोजाना वाधा हुंदा, कदे 1 रुपया कदे 50 पैसे रोजाना का वाधा हुंदा। साडी ये मुख मंग है कि जेडे तेल पदार्थ ने, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की जिहड़ी प्रति बैरल कीमत है वह इस वक्त बहुत घट है, उसनू जीएसटी के दायरे में लिया जा सके। जेकर तेल जीएसटी के आता तो 25-30 रुपए के करीब जिहड़ी पेट्रोल की कीमत है वह घट होगी, तो जिहड़ा किसान है हिंदुस्तान का वह बच सकता, जिहड़ा अज खुदकशियां दे राह पिया होया है। जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब दे किसानां दी बांह फड़ी है, उन्हां दे करजे माफ़ कर रहे हैं, इसे तरह वह भी जिहड़े हिंदुस्तान लैवल दे उत्ते करजे ने माफ़ करने चाहिए ने, तां किसानी का कुछ भला हो सकता है। तो साडी जिहड़ी इह एजीटेशन है, जेकर जीएसटी दे विच तेल पदार्थां नूं नहीं लियाउंदे तां आउण वाले समें दे विच कांग्रेस पार्टी इस नूं होर प्रचंड करेगी। ते इसे तरह आस करते हैं असीं कि 2019 दीआं लोक सभा चोणां च इसे तरह ही इन्हां दीआं मशीनां खाली भेजो ते सेंटर कांग्रेस पार्टी दे सारे सरकार जो मीडिया वाले वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। कांग्रेस पार्टी ने अज पंजाब प्रदेश कांग्रेस वल्लों श्री सुनील कुमार जाखड़ जी के आदेशों अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई में पूरे पंजाब हल्का लैवल से धरने लाए गए थे। कांग्रेस पार्टी देश अंदर मोदी सरकार के जो नीतियां ने उन्हों का विरोध करती है, तो हर दिन जिहड़ियां तेल दी कीमत वधाई जांदियां ने उन्हों का विरोध करती है। उन्हां दी सरकार नूं अकल टिकाने लियाउण लई कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश अंदर ये रोस मुजाहरे शुरू किए ने, ताकि उन्हां दी अख खुल सके, वो नींद तो जाग सकन कि देश अंदर की हो रहा की नहीं हो रहा। जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार सी उदों इंटरनेशनल मार्केट कच्चे तेल दी कीमतां बहुत वड्डे पद्धर ते सी, पर उन्होंने देश नूं स्थिर रखण लई तेल दीआं कीमतां ते बन ला के रखिया भी जिहड़ा साडा भारत वर्ष आ वो किसानी ते मुनसर करता, किसान नूं डीजल ते पेट्रोल की बहुत लोड़ होती है, इस करके उन्होंने जो स्थिर रख सकते हैं तो मोदी साहब के राज विच इंटरनेशनल मार्केट कच्चे तेल की कीमत घट आ, पर वो अपने कुछ दोस्त मित्रों सरमाएदारों लाभ पहुँचाने लई देश के गरीबों का किसानों का मजदूरों का गला घुट के तेल दी कीमत वधा के उन्होंने फायदा दिता जा रहा, जो कि कांग्रेस पार्टी हर सर अज हरियाणे दे विच पंजाब नालों जिहड़ा रेट आ वो बड़ा घट आ, उहदा कारण की है? पंजाब बैठ कट के जीएसटी क्यों लगा रहा है? पंजाब साढ़े वित्त मंत्री साहब मनप्रीत सिंह बादल का पिछले दिनों बयान आया सी, असीं आप चाहुंदे आ रेट घटन, पर सेंटर सरकार पेट्रोल ते डीजल नूं जीएसटी दे घेरे च लियावे ते जिन्ना जीएसटी बनता सेंटर वल्लों स्टेट गवर्नमेंटां नूं उन्हूं प्रॉपर दिता जाए। सर जी जीएसटी पंजाब सरकार ने लगाउणा, सेंटर नूं भेजणा पंजाब सरकार लाउणा चाहुंदी आ, पर मनप्रीत सिंह बादल कह रहे ने उह पूरा जीएसटी देण तां सही, स्टेटां नूं जीएसटी पूरा दे नहीं रही सेंटर गवर्नमेंट, जब तक वह नहीं देंगे उदों तक तो पंजाब की जिहड़ी दुर्दशा अकाली दल बीजेपी कर रही है 2 लाख करोड़ का करजा वो भी असी मसले हल करने ने, इस करके असी चाहते हैं जीएसटी के घेरे च आ जाए, पर जीएसटी जिहड़ी सेंटर सरकार पूरा स्टेट आ।